नमस्ते, मैं अर्चना हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी विषय वस्तु है शब्द शक्ति। तो आइए शब्द शक्ति पर चर्चा करते हैं। शब्द शक्ति को समझने से पूर्व आपको ये जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। ऐसा माना गया है कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द की परिभाषा दी गई है कि जो वर्णों का सार्थक समूह होगा उसे शब्द कहा गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शब्द के साथ उसका अर्थ जुड़ा होता है, शब्द के साथ अर्थ का अनिवार्य संबंध होता है। तो फिर आखिर शक्ति शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो शब्द शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि शब्द के तीन प्रकार के अर्थ माने गए हैं, वाचक, लक्षक एवं व्यंजक। तो आखिर हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि किस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, तो शब्द का किस संदर्भ में क्या अर्थ निकलता है, इस बात को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति मानी गई है। अर्थात शब्द शक्ति का कार्य यही है कि ये शब्द के जो वास्तविक अर्थ है वह किस अर्थ से संबंध रखती है उसको प्रकट करने का कार्य शब्द शक्ति के द्वारा होता है। अब शब्द शक्ति के संबंध में आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में शब्द के तीन अर्थ बताए थे और उन्हीं तीन अर्थों के आधार पर उन्होंने तीन शब्द शक्तियों का विवेचन किया था। आइए जानते हैं कि आचार्य मम्मट ने शब्द के वह तीन अर्थ क्या बताए थे। आचार्य मम्मट के अनुसार शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। पहला है अभिधेयार्थ, जिसे मुख्यार्थ एवं वाचार्थ भी कहते हैं। दूसरा है लक्ष्यार्थ और तीसरा अर्थ है व्यंग्यार्थ। अब किसी शब्द से निकलने वाले तीन अर्थों पर आचार्य मम्मट ने प्रकाश डाला था कि या तो किसी शब्द का अभिधेयार्थ निकलता है या लक्ष्यार्थ निकलता है या फिर व्यंग्यार्थ निकलता है, और इन्हीं अर्थों को प्रकट करने वाली तीन प्रकार की शब्द शक्तियां मानी है। अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाली अभिधा शब्द शक्ति, लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली व्यंजना शब्द शक्ति। तो आज हम लोग शब्द शक्ति के जो तीन भेद माने गए हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति के भेदों में जो प्रथम भेद है उसका नाम है अभिधा। अभिधा की परिभाषा पे गौर करते हैं। शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं तथा इससे निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ या वाचार्थ कहते हैं। देखिए, जब वाक्य को पढ़कर के किसी पाठक या श्रोता को उसका अर्थ तुरंत ही समझ में आ जाए, तत्क्षण वाक्य को पढ़ते ही उसका व्यवहारिक अर्थ जब समझ में आ जाता है तो वहां अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है और इस शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ अथवा वाचार्थ कहा जाता है। अब अभिधा शब्द शक्ति के एक उदाहरण पर गौर करते हैं। कदा घास चर रहा है। अब इस वाक्य को पढ़कर के पाठक अथवा श्रोता को तुरंत ये जानकारी मिल जाएगी कि गधा एक चार पांव का जानवर है, यह जानवर घास चर रहा है। तो साधारण से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि गधा अपना भोजन कर रहा है घास के रूप में। लेकिन अगर इसी शब्द को हम किसी अन्य वाक्य में अलग रूप में लिखते हैं तब देखिए उसका क्या अर्थ होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि मेरा मित्र तो गधा है, देखिए अभिधा का मतलब है कि वाक्य को पढ़ते ही उसका सीधा साधा अर्थ तत्क्षण प्रकट हो जाए तो वहां अभिधा होती है। अब गधा घास चर रहा है, इसका अभिधेयार्थ यही था
कि गधा एक चार पांव वाला जानवर है जो कि घास खा रहा है। लेकिन जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि मेरा मित्र तो गधा है, तो यहाँ इसका अभिधा क्या अभिध्यार्थ क्या होता है कि वास्तव में क्या मेरा मित्र है वो चार पांव वाला जानवर गधा है? तो ऐसा संभव नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि इस वाक्य में जब गजा गधा शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ इसका अभिध्यार्थ नहीं निकलता, बल्कि गधे में जो गुण होता है कि वो मूर्ख माना गया है, तो यहाँ ये अपने मित्र पर लक्ष्य करके उसे मूर्ख बता रहा है। अतः शब्द एक ही है, लेकिन वाक्य में इसके क्या अर्थ निकलता है, किस संदर्भ में किस अर्थ का इसका प्रयोग किया गया है, ये शब्द शक्ति प्रकट करती है। अतः स्पष्ट हो गया होगा कि अभिधा शब्द शक्ति से वाक्य का सीधा सरल अर्थ प्रकट होता है। आगे हम पढ़ते हैं दूसरी शब्द शक्ति जिसका नाम है लक्षणा। आइए लक्षणा शब्द शक्ति। जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के मुख्य अर्थ को बाधित कर अर्थात उसे स्वीकार न करके किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्षणार्थ कहते हैं, और लक्षणार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति लक्षणा कहलाती है। देखिए ऐसा माना गया कि किसी भी वाक्य के जब मुख्य अर्थ से संबंधित उसका कोई अन्य अर्थ निकलता हो, अर्थात मुख्य अर्थ को तो स्वीकार न किया जाए और उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ को स्वीकार किया जाए, तो वहां पर लक्षणार्थ होता है, और लक्षणार्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लिखा है कि राम चौकन्ना हो गया। अगर हमें इस वाक्य का अभिध्यार्थ निकालना हो अर्थात मुख्य अर्थ निकालना हो, तो क्या होगा कि राम चौकन्ना हो गया अर्थात राम की चार कानों वाला हो गया। तो राम का चार कानों वाला हो जाना संभव नहीं हो सकता, अतः मुख्य अर्थ के बाधित हो जाने पर इसका अन्य अर्थ क्या निकलेगा कि चौकन्ना शब्द का अर्थ होता है सजग हो जाना। तो अतः इस वाक्य में कहा गया है कि राम सजग हो गया। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है और उससे जुड़ा हुआ अन्य अर्थ प्रकट होता है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब लक्षणा के विभिन्न आचार्य ने अलग अलग भेद बताए हैं। इसके मुख्यतः छह भेद माने गए हैं, लेकिन पाठ्यक्रमानुसार इसके दो भेद बताए गए हैं, गुणा लक्षणा एवं प्रयोजनवर्ती लक्षणा। गुणा एवं प्रयोजनवर्ती लक्षणा। देखिए गुणा के अंतर्गत माना जाता है कि जो वाक्य जो बातें परंपरा से प्रचलित हो, अर्थात रूढ़ा से संबंधित अगर किसी उदाहरण को देखेंगे तो वहां पर परंपरा से प्रचलित कोई बात या फिर कोई प्रसिद्ध लोकोक्ति या मुहावरा अभिव्यक्त किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि पंजाब वीर है, अब इस उदाहरण को देखिए, इसमें बात कही गई कि पंजाब वीर है। अब पंजाब तो स्वयं एक राज्य का नाम है, तो वह राज्य तो वीर नहीं हो सकता, लेकिन हम जानते हैं कि पंजाब की भूमि में जो व्यक्ति जो लोग निवास करते हैं उनमें वीरता का गुण पाया गया। अतः ये रूढ़ी परंपरा प्रचलित है कि पंजाब के लोग वीर हैं। इस वाक्य में पंजाब के लोगों को वीर कहा गया है, अतः यहाँ पर परंपरा से प्रचलित अर्थ निकलने के कारण रूढ़ा लक्षणा मानी गई है। वही प्रयोजनवर्ती लक्षणा में क्या होता है कि जो वक्ता होते हैं, वक्ता की बात का अपना प्रयोजन होता है कि वो किस प्रयोजन से उस बात को कह रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, उसी प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ निकलता है। जैसा कि उदाहरण से देखते हैं, किसी ने कहा कि आओ मेरे शेर, अब साधारण सी बात है कि कोई व्यक्ति अपने सामने किसी शेर को आमंत्रित नहीं कर सकता, तो इसमें यह स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति का इस बात के कहे जाने के पीछे कोई प्रयोजन था कि ये सामने से जो व्यक्ति आ रहा था वह शेर के समान साहसी गुणों वाला था, अतः इस प्रयोजन को अभिव्यक्त करते हुए उसने कहा था कि आओ मेरे शेर। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है और उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह अन्य अर्थ किसी रूढ़ी या परंपरा के कारण या फिर किसी प्रयोजन के कारण ग्रहण किया जा सकता है, अतः इसके ये दो भेद माने गए हैं। आइए अगली शब्द शक्ति पढ़ते हैं, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। अब व्यंग्यार्थ का जो अर्थ होता है वो पूर्ण कसना होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजना से निकलने वाला जो व्यंग्यार्थ है वह टोल के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा, जबकि उसका कुछ अन्य अर्थ निकलेगा पाठक की समझ के अनुसार। शब्द के जिस व्यापार से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे
और तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं और व्यंजना से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ सदैव पाठक या श्रोता पर ही निर्भर करता है। व्यंजना शक्ति तो केवल इशारा करती है, बाकी का अर्थ कल्पना के आधार पर पाठक लगाता है। अर्थात ये माना गया है कि व्यंजना शब्द शक्ति से जो जुड़ा वाक्य होगा उस वाक्य में मुख्य अर्थ और लक्ष्य दोनों शांत हो जाएंगे, लेकिन पाठक या श्रोता अपनी समझ कल्पना के आधार पर उसका कोई तीसरा अन्य अर्थ निकालेगा। मतलब प्रत्येक बार उस पंक्ति से निकलने वाला जो अर्थ होगा वो भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि वह पाठक या श्रोता की अपनी कल्पना पर निर्भर होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि बताया है कि संध्या हो गई। अब इस शब्द के अगर, इस वाक्य के अगर वाचार की तरफ ध्यान दें तो संध्या का मतलब है सूर्यास्त का समय हो गया। लेकिन जब इस वाक्य को अलग अलग श्रोता या पाठक सुनेंगे या पढ़ेंगे तो अपनी कल्पना के अनुसार इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई सोच सकता है कि संध्या का समय हो गया अर्थात भगवान की पूजा करने का समय हो गया है, संध्या हो गई है अर्थात घर चलने का समय हो गई है, संध्या हो गई है अर्थात दूध लेने के लिए जाने का समय हो गया है, संध्या हो गई अर्थात खेल करके घर आने का समय हो गया है। तो जिस भी वाक्य का पाठक अपनी कल्पना के आधार पर अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल देता हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति पाई जाती है। अब व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद माने गए हैं, शाब्दिक व्यंजना एवं आर्थिक व्यंजना। जब शब्दों के ऊपर कोई शब्द शक्ति आधारित होगी तो शाब्दिक व्यंजना मानी जाएगी। अर्थात किसी वाक्य में अगर शब्द को बदल दिया जाए तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, उससे निकलने वाला व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। जबकि आर्थिक व्यंजना में शब्द अगर बदल भी दिया जाए तो भी उसका अर्थ वैसे ही व्यंग्य को प्रकट करता रहेगा। अतः व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद माने गए हैं, शाब्दिक एवं आर्थिक व्यंजना। इस प्रकार से हमारे काव्य में शब्द शक्तियों का अत्यधिक महत्व माना गया है। आचार्य आनंद वर्धन ने तो अपने ध्वनि संप्रदाय की जो नींव थी वही शब्द शक्तियों के ऊपर ही रखी थी। तो इस प्रकार से आज का जो विषय वस्तु थी शब्द शक्ति आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।